गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। एज यू नो, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन काउंसलर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 100 बातें काम की सीरीज की बात कर रहे हैं। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम बात कर रहे हैं। यदि आप दूसरी वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए 100 बातें काम की, उस प्लेलिस्ट को चेक करके आप दूसरी वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासरूम में अध्यापक की एंट्री होती है और उन्होंने कहा कि बच्चों, आज मैं आपको जोड़ करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। और उस टीचर ने जैसे ही बोर्ड पे लिखा 2+2=4, तो जैसा आप जानते हैं छोटी क्लास में कुछ बच्चे थोड़े से नीरस प्रवृत्ति के होते हैं, तो एक बच्चे पे टीचर का ध्यान गया तो कहते, बेटे इधर आओ, आज मैंने आपको क्या सिखाया है। तो उस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा था। टीचर उसे बार बार कह रहा था, बेटे 2+2=4 होते हैं। जैसा कि उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान समझा था कि प्रैक्टिकल चीज़ों को यदि हम साथ में इन्वॉल्व कर देंगे तो बच्चों को चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। तो उसने देखा कि अभी क्लासरूम में ही साइड में आज उसने 2 मैंगो उठाए और साथ में 2 मैंगो और उठाए, तो बच्चे को समझाया कि बच्चे देखो, ये 2 मैंगो हैं, इसमें 2 मैंगो और हम जोड़ देंगे तो बताओ कितने मैंगो हो गए। बच्चे ने एकदम से जवाब दिया कि सर 5। अब टीचर एकदम से चकरा गया कि अभी तक 2+2=4 इसके समझ में नहीं आ रहा था, ये सीधा ही 5 कैसे बता रहा है। तो टीचर ने दोबारा समझाया कि बेटे देखो, 2 मैंगो और इसमें 2 मैंगो और ऐड कर देंगे और ये मैंगो मैं आपको दे देता हूँ, तो बताइए कितने मैंगो बन गए। तो बच्चे ने एकदम से फिर जवाब दिया कि जी 5। टीचर के बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए टीचर ने सोचा कि मैं एप्पल का एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। तो टीचर ने पहले 2 एप्पल उठाए, बच्चे को दिए, ये देखो बेटे 2 एप्पल, उसके बाद 2 एप्पल और उसमें ऐड कर दिए कि बेटे ये 2 एप्पल और इसमें जोड़ दो, अब बताओ कितने हो गए। बच्चे ने एकदम से जवाब दिया 4। टीचर का दिमाग चला कि अब की बार तो समझ में आ गया, लेकिन टीचर ने वही रिपीटेशन दोबारा से, वही फार्मूले को अपनाने के लिए सब कुछ दोबारा रख के अब बच्चे को बताया कि देखो बच्चे, ये 2 मैंगो हैं, इसमें 2 मैंगो और हम डाल देंगे, तो बताइए कितने बन गए। अब बच्चे ने एकदम से जवाब दिया कि सर 5। टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कभी 2 एप्पल में 2 एप्पल जोड़ते तो 4 बता देता है, लेकिन 2 मैंगो में 2 मैंगो जोड़ देते हैं तो ये 5 बता देता है। टीचर अब इस लेवल पे पहुंच गया था कि उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लग गया, सीधा उसकी मम्मी के पास फ़ोन मिला दिया कि आपके बेटे को क्या हो गया है, इसको मैं सिखाती हूँ 2 एप्पल में 2 एप्पल जोड़े तो 4 होते हैं, लेकिन पता नहीं आपके बेटे को क्या हो गया है कि 2 मैंगो में 2 मैंगो जब जोड़ते हैं तो ये 5 बताता है। और आगे से जो बहुत गुस्से भरी बात में उसकी मम्मी ने बात सुनी, तो मम्मी ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और बड़े ही शालीन तरीके से जवाब दिया कि जी हमारे चिंटू को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज सुबह सुबह अपने बैग में आप सर्च कर दिए, इसके बैग में एक मैंगो और भी है, तो हो सकता है सभी मैंगो को जोड़ के 5 बता रहा है। हो सकता है हम टेक्निकली बहुत जगह ठीक होते हैं, 2+2 तो 4 ही होते हैं, निश्चित ही आप किसी भी देश में जाके किसी भी जगह किसी भी समय पे आप जोड़ लीजिए, लेकिन कई बार हमें टेक्निकल के बजाय कुछ ऐसी चीज़ें जो अंदर की होती हैं वो हम नहीं समझ पाते। रिश्ते में खासकर लड़ाई इसी बात से होती कि मैं सही हूँ, रिश्ते में खासकर इसी बात से लड़ाई होती कि आप गलत हैं, बजाय इसके कि कौन सही है, इस बात पे कोई विषय पे बात नहीं करता कि क्या सही है। इसीलिए यदि आप अपने रिश्तों को, यदि आप अपने जीवन की कामयाबी को या फिर अपने लेवल को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि वो हिडन मैंगो क्या है, वो छिपा हुआ मैंगो जब आप पता कर लेते हैं तो आप अपनी बुलंदियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सकता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और ये बात अगला भी सोचता है कि वो भी बिल्कुल सही है, तो जब भी रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात आती है सिर्फ एक बात को आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन या रिश्ते तब बनाए जाते हैं जब एक दूसरे को ज़रूरत होती है। हो सकता है आप में बहुत कमियां हैं, लेकिन कुछ कमियों की हो सकता है अगले में कमियां हैं, लेकिन आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। एक दूसरे का पूरक ही रिश्तों की एक सही परिभाषा होती है। यू नो, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। ध्यान रखिए, पैसे के लिए कभी रिश्ते नहीं होते, लेकिन हाँ, रिश्तों के लिए पैसे ज़रूर होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आप दूसरी वीडियोज़ को भी देखिए, और इस लॉकडाउन के दौरान यदि आपको थोड़ा बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हमारी सेवाएँ उपलब्ध हैं। आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।